अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज है रमज़ान की पहली से अफ्तारी और हम सब कज़न्स ने डिसाइड किया, बल्कि कि हम सब मिलके ही एक साथ अफ्तारी करते हैं, जिस तरह सहरी की है, क्योंकि सहरी में तो हमें बहुत मज़ा आया था। हम सब कज़न्स थे एक साथ और अब अफ्तारी में है। अब अफ्तारी की तैयारियाँ स्टार्ट कर दी हैं मैंने। यहाँ पर मैंने पानी लिया है, इसे हल्का सा बॉयल मतलब नीम गरम करूँगी। जब हल्का सा गरम होगा तो इसमें मैं दही बड़े वाली फुलकियाँ ऐड कर दूँगी। जी बन रहा है हमारे दही बड़े और साथ में समोसे बनाएंगे हम लोग। दही बड़ों का सामान मैं इधर रेडी कर रही हूँ और उधर जो कज़न है वो समोसों का रेडी कर रही है। बाकी साथ के साथ आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे इस देचकी में जो मैंने पानी लिया है इसमें हम करेंगे आलू बॉयल और फिर दिखाते हैं आपको साथ के साथ। तो ये जो यहाँ पे पानी है, ये पानी मतलब हल्का हल्का गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं ये फुलकियाँ। ये मैंने डाल दिया, इसे मिक्स कर देते हैं। और फिर देखते हैं इन्हें तकरीबन 5 से 7 मिनट तक रखते हैं, उतनी देर में ये हो जाएंगी। इसी साइड पे मैं सात सालन भी बना रही हूँ, ताकि अफ्तारी के बाद तो इतना टाइम ही नहीं होता कि बंदा बना सके, बंदा वैसे ही थक जाता है। और इधर मैंने मसाला वगैरह रख दिया डाल के, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह, लहसुन अदरक सब कुछ डाल के। और दूसरी ही साइड पे ये जो फुलकियाँ ये भी बॉईल हो चुकी हैं और साथ सलाद भी बन चुका है। और इधर बस अब ये आलू रह गए काटने वाले, ये मैं साथ साथ कट करती जाऊँगी, बाहर ही ले जाती हूँ, साथ साथ कट करती जाऊँगी इन्हें। यहाँ पे ये दही बड़ों का सारा सामान रेडी हो चुका है। मैं मिक्स नहीं कर रही होती, मैं एंड टाइम पे मिक्स कर रही होती हूँ, या फिर जिसने जो जितना डालना उस हिसाब से डाल रहा होता है। एक साथ खट्टा सब चीज़ें डाल के मिक्स करते हैं ना, उससे टेस्ट भी अच्छा नहीं आ रहा होता और अजीब सा ही कुछ बन जाता है। और मैं जो है सब चीज़ अलग अलग से ऐड कर रही होती हूँ और आज आपको दिखाऊँगी। और दूसरी साइड पर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा सालन बनने वाला है, लेट होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। अब जल्दी से यहाँ से वाइंड अप करते हैं और जाते हैं मामूलों के घर, देखती हूँ वहाँ पे क्या बन रहा है, उन्होंने कुछ बनाया नहीं या नहीं, या मुझे जाके बनाना पड़ता है, या मिल के बनाते हैं। वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है। बहुत ऊपर से ऑर्डर आया है कि ये जो मसाला है ना इसे ग्रैंड कर दें, और ऊपर से ऑर्डर आया, जाहिर सी बात है फिर तो मानना पड़ेगा। अब जल्दी से इस सारे को ग्रैंड करते हैं और ग्रैंड करके रखते हैं और निकलते हैं। डाल दिया, अब इसे ग्रैंड करते हैं। और आप लोगों को पता है ऊपर का ऑर्डर का मतलब क्या मतलब है, मतलब कि मेरी मम्मा ने मुझे कहा है और मम्मा की बात ना मानी गई तो बेटा। यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब मेरा सारा सालन भी बन चुका है, हम बनाए हैं आलू अंडे। और अब चलते हैं उधर जाके देखते हैं उन्होंने कुछ किया है या नहीं। हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और रोज़ा खुल चुका है और हमारे ये अभी समोसे बन रहे हैं, रस्ते में हैं, और बाकी जो है वो साथ के साथ रोज़ा भी खोला जा रहा है। लेट हो चुके थे, इतना लेट तकरीबन रोज़ा खुलने के आधे घंटे बाद हमारी बारी आई है, हमें खाने के लिए मिल रहा है। और इसमें डालते हैं रायता और खाना स्टार्ट करते हैं। बाकी जो जैसे बने हैं वो नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत लेट हो गए थे हम लोग। और जो नेक्स्ट व्लॉग कब बनाएंगे एक दो दिन तक, उसमें मैं आपको सारा इसका प्रोसेस दिखाऊंगी कि ये बना कैसे है। अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।